वॉट इफ लूफी पायरेट किंग नहीं बना? वी ऑलवेज टॉक अबाउट वॉट विल हैपन जब लूफी पायरेट किंग बन जाएगा, बट वॉट इफ वो नहीं बन पाया? ये क्वेश्चन हमसे पूछा है सत्यम भाई ने, सो लेट्स चेक आउट द आंसर। लूफी के पायरेट किंग बनने के रास्ते में एब्सोल्यूट विलन फिगर्स हैं ईमू, ब्लैक बियर्ड एंड आका इनू। तो अगर लूफी पायरेट किंग नहीं बन पाया तो इट मींस मोस्ट प्रोबेबली इनमें से किसी ने उसको हराया है। ईमू और आका इनू के जीतने से वर्ल्ड पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग विल गो जस्ट एज इट इज, पर ब्लैक बियर्ड के जीतने से वर्ल्ड रियल में रंबल करेगा। ब्लैक बियर्ड इज एब्सोल्यूट इविल। हम बोलते हैं कि जहां जहां अंधेरा होता है वहां पर थोड़ी बहुत ही सही पर लाइट मौजूद जरूर होती है, बट ब्लैक बियर्ड प्रूव्स दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। सबसे पहले ब्लैक बियर्ड किंग ऑफ द पायरेट से भी ज्यादा बड़ी गद्दी पर हाथ मारना चाहेगा, जो कि है ईमू का एम्प्टी थ्रोन। ही विल स्टार्ट अ वॉर विद द वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड लेट अस मेक इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, He will win. Blackbeard एक ऐसा पर्सन है जो भी करता है फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ करता है। Blackbeard के पायरेट किंग बनने से सिर्फ वो लोग जिंदा बचेंगे जो स्ट्रॉन्ग होंगे। There will be no place for weaklings in Blackbeard's era.